केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स। ठीक है, तो व्हाट आर हैलोजन्स? हैलोजन्स हमारे पास होगा जब हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी हैलोजन कनेक्टेड होगा। बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी कोई हैलोजन कनेक्टेड होगा उसको हम बोलेंगे हैलोजन्स। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं हैलोजन हमारे पास क्या होगा, बेंजीन के ऊपर हम एक्स लगाएंगे। इसको हम हैलोजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि यहाँ पे कौन सा हैलोजन लगा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम हैलोजन को स्पेसिफाई कर ले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको क्लोरीन को लगा देता हूँ, तो ये हैलोजन से क्या बन जाएगा क्योंकि हैलोजन को हमने क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो हमारा क्लोरीन इस पोजीशन पे लगा है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास अगर मैं इस साइड को जाऊं, इस साइड को जाऊं, जो हमारी सेकेंड पोजिशन होती है, सेकेंड पोजिशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजिशन। सेकेंड पोजिशन हमारी कौन सी पोजिशन होती है, ऑर्थो पोजिशन। थर्ड पोजिशन इस साइड से जाओ आप, इस साइड से जाओ, थर्ड पोजिशन हमारी होती है मेटा पोजिशन। थर्ड पोजिशन हमारी होती है मेटा पोजिशन, और इस साइड से जाओ चाहे इस साइड से जाओ ये हमारी फोर्थ पोजिशन है, और फोर्थ पोजिशन को हम बोलते हैं पैरा पोजिशन। ठीक है, फोर्थ पोजिशन हमारी होगी पैरा पोजिशन। तो हमने जैसा कि लास्ट ईयर पढ़ा था कि जब हम बेंजीन की बात करते थे तो हमारा जो बेंजीन होता था वो रिएक्शन देता था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि हमारे पास बेंजीन के केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनते थे तो हमारे पास चॉइस होती थी कि हम जो भी मीन्स हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो हम किसी भी पोजीशन पर लगा सकते हैं। लेकिन क्लोरोबेंजीन के केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किस पोजीशन पर लगेगा, तो उसको चेक करने के लिए हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो अभी मैं आपको क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारा जो ये क्लोरोबेंजीन है, या इसको हम बोल रहे हैं हैलोजन्स बोल रहे हैं, जो ये क्लोरोबेंजीन है क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है, इसमें हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो किस किस पोजीशन में होगी वो हमें चेक करना है। तो इसमें हमारे पास क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में हमारे पास क्लोरीन के ऊपर तीन लोन पेयर होते हैं, क्योंकि जो ये क्लोरोबेंजीन है हमें जो रिएक्शन देता है वो देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल मींस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रोफाइल को जिस डिशन में आना पड़ेगा उस वहां पे होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर किस किस डिशन में नेगेटिव चार्ज है उसको उसका पता लगाने के लिए हमें इसके बताने पड़ेंगे रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्लोरोबेंजीन के जो रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जब भी हम रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर में हम जो शिफ्टिंग करते हैं वो करते हैं या तो लोन पेयर की शिफ्टिंग करते हैं या हम शिफ्टिंग करते हैं इसकी पाई बॉन्ड की। तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट वन, इससे मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। हम यहां से इस लोन पेयर को शिफ्ट करेंगे क्लोरीन और कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रेजोनेंस का सिंपल सा मतलब होता है हमारे पास जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर पोजीशन को चेंज करना होता है। तो जैसे हमने इस लोन पेयर को शिफ्ट किया, जैसे हमने इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो कुछ इस तरीके से बना। हमारे पास ऊपर क्लोरीन था, इन दोनों के दोनों लोन पेयर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वाले लोन पेयर को हमने वहां से शिफ्ट किया है, मींस इस क्लोरीन ने अपने लोन पेयर को लूज किया है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन के बीच में, इस पाई बॉन्ड की हम शिफ्टिंग कर रहे हैं इस कार्बन के पास। एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलिंग बाय कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब हमें इस वाले कार्बन को चेक करना है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। जैसे हमने इस लोन पे को यहाँ पे शिफ्ट किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन उसी टाइम में यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ और इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया है। जैसे ही वहां से लोन पेयर आया
ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पर नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इस वाले कार्बन के पास हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड वैसे का वैसा ही, ये वाला पाई बॉन्ड वैसे का वैसा ही। इसी एरोमेटिक स्ट्रक्चर सेकेंड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगले केस में हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर की हम शिफ्टिंग करेंगे इन दो कार्बन के बीच में, और ये वाला हमारा पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन के पास। तो शिफ्टिंग के बाद हमारे पास जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, हमारे पास जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आएगा क्लोरीन कार्बन के बीच में, क्योंकि वन लोन पेयर मीन्स एक बॉन्ड। तो उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे क्लोरीन, दो लोन पेयर वैसे के वैसे, इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड। उसके बाद ये लोन पेयर हमारा शिफ्ट हुआ इन दोनों कार्बन के बीच में, तो इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर मीन्स डबल बॉन्ड। जो ये वाला हमारा पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, ये पाई बॉन्ड हमारे पास इस कार्बन के पास आया, इस कार्बन के पास आया, मींस एक लोन पेयर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये वाला पाई बॉन्ड वैसे का वैसा ही। और हमें थोड़ा सा चार्ज चेक करना पड़ेगा, हमारे पास इस वाले कार्बन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसके ऊपर आया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव होकर कैंसिल आउट, मींस इस वाले कार्बन, ये वाला कार्बन हमारा हो गया न्यूट्रल। अब अगली बात, जैसे हमने यहां से लोन पेयर को शिफ्ट किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे हमने ये वाला बॉन्ड शिफ्ट किया, इस वाले कार्बन इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन के बीच में, जैसे ऊपर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर नेगेटिव चार्ज, लेकिन जैसे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला कार्बन हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड। अगले केस में हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर को हम शिफ्ट करेंगे इन दो कार्बन के बीच में, और इस पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट करेंगे इस वाले कार्बन के पास, उसके बाद हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, हमारे पास क्लोरीन, दो लोन पेयर विद कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड। अच्छा, इसके बाद हमने इस लोन पेयर की शिफ्टिंग की दो बॉन्ड के बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हमने शिफ्ट किया इस वाले कार्बन के पास, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एक लोन पेयर विद कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, इस वाले कार्बन के पास हमारे पास था नेगेटिव चार्ज, इसने अपने लोन पेयर को लूज किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज किए कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होकर कैंसिल आउट, तो ये वाला कार्बन हमारा हो गया न्यूट्रल। अगली बात, जैसे हमने इस लोन पेयर को शिफ्ट किया यहाँ पे, तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर नेगेटिव चार्ज, तो इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए था, नेगेटिव, लेकिन उसी टाइम यहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन का भी था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, यहां से नेगेटिव चार्ज आया, इसको लूज करने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, तो ये वाला कार्बन हमारा हो गया न्यूट्रल। और यहाँ पे तो हमने पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग की है, यहाँ पे लोन पेयर तो आया है, साथ में इसने कौन सा चार्ज भी लेके गया, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा, फोर्थ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ। उसके बाद अगला केस हमारे पास, हम इस वाले लोन पेयर को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, इस पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट करेंगे ऊपर, तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर हमने शिफ्ट किया है दो कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे भी कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ऊपर क्लोरीन, दो लोन पेयर ऑलरेडी थे, अब इस पॉइंट को बड़े ध्यान से करना, नोट, ये पाई बॉन्ड को वापस लेंगे ऊपर, एक बॉन्ड मींस दो इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी हमारे पास कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज,
नीचे से बॉन्ड शिफ्ट हुआ, एक बॉन्ड मीन्स दो इलेक्ट्रॉन साथ में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा नेगेटिव चार्ज। ऑलरेडी कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव तार था, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गए? ये हो गए यहाँ पे कैंसल आउट, ये हो गया न्यूट्रल। अगली बात, जैसे ही बॉन्ड ऊपर को शिफ्ट हुआ, इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। लेकिन उसी टाइम यहाँ से ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हुआ, जो साथ में क्या लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखा है नेगेटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। लेकिन उसी टाइम यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे? लूज हुए थे, और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो वहां पे भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया? कैंसिल आउट। एंड इसी से हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना? 5। अब अगर हम इन पांचों के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन होनी है वो होनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस इलेक्ट्रोफाइल को आना है, और इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इसके ऊपर कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज को आना है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको कहां पे आना होगा? जहां पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम पांचों के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड को अगर हम देखें, तो हमारा जो अभी मैंने आपको बताया ऑर्थो पैरा मेटा रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर को सेकंड को अगर हम देखें, तो हमारा ऑर्थो पोजीशन में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। थर्ड रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, हमारे पास पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज है। और अगर हम रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ को देखें, तो हमारे पास दोबारा से ऑर्थो पोजीशन में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम हेलो अरेंज की रिएक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी पोजीशन पे होगी? वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन व्हाई हैलोरेंस और क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप क्लोरोबेंजीन के बनाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप उसके बाद लिखोगे फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्थो एंड पैरा, सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्थो एंड पैरा, देयरफॉर हैलोरेन इज कैसा डायरेक्टिंग इन नेचर? दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमने इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, जैसे कि हम लास्ट ईयर पढ़ते थे बेंजीन की, हम पढ़ते थे क्लोरीनेशन पढ़ते थे, हम नाइट्रेशन पढ़ते थे, हम फ्रीडलग्राफ एल्काइलेशन पढ़ते थे, हम क्या पढ़ते थे? फ्रीडलग्राफ एसाइलेशन। वैसे हमने किसकी पढ़नी है अभी? क्लोरो बेंजीन की। सारे के सारे इसको तैयार करेंगे कि एक्सप्लेन व्हाई क्लोरो बेंजीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसके बाद में आपको चार इसकी जो मेजर रिएक्शन है वो बता रहा हूं, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडलग्राफ एल्काइलेशन एंड फ्रीडलग्राफ एसाइलेशन। आपने लास्ट ईयर भी पढ़ रखी है बेंजीन के केस में, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लोरो बेंजीन के केस में। तो सबसे पहले हमारे पास दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मींस आप कौन सा भी हैलोजन ऐड कर सकते हो, हैलोजिनेशन बोल लो या इसको क्या बोल लो, इसको बोल लो आप क्लोरीनेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे? वी हैव व्हाट? वी हैव क्लोरोबेंजीन। अभी हमने पढ़ा है कि हमारा जो क्लोरोबेंजीन होता है दैट इज कौन सा डायरेक्टिंग इन नेचर? दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, किसके इलेक्ट्रो, किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसके अंदर हम क्या डालेंगे? इसके अंदर हम डालेंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? फेरिक क्लोराइड। ये रिएक्शन हमारे पास किसके प्रेजेंस में होती है? फेरिक क्लोराइड के। FeCl3 या AlCl3 भी लिखा होता है कई जगह पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेंगे, ये Cl2, तो Cl2 को पहले से लिखूं, इस क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मैं इस बॉन्ड को इस साइड को शिफ्ट कर दूं, इस साइड को शिफ्ट कर दूं, कैसा क्लीवेज? इट्स द होमोलिटी क्लीवेज। जैसे मैंने इस बॉन्ड को इस साइड को शिफ्ट किया, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? क्लोरीन के ऊपर चार्ज आया कैसा? पॉजिटिव। और दूसरे वाले क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव।
आओ क्योंकि हमारे जो रिएक्शन होनी वो कैसी होनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल को आना है, इलेक्ट्रोफाइल को आना है तो आपके पास जहां भी इलेक्ट्रोफाइल को आना होगा वहां पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। और अभी हमने देखा है कि ये कौन कौन सी पोजिशन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे। अब हमें पता है कि में कौन लगा होता है, हाइड्रोजन लगा होता है क्योंकि ये मेरे पास ऑर्थो पोजिशन पे हाइड्रोजन लगा है, ये हमारे पास कौन सी पोजिशन पे लगा है, पेरा पे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को आना है तो इलेक्ट्रोफाइल को जहां पे भी आना होगा वहां पे कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। तो मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, मैं इस बॉन्ड की शिफ्टिंग कर रहा हूँ इस साइड को, जैसे मैंने इस साइड को इस बॉन्ड को शिफ्ट किया इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। वहां से कौन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर कैसा चार्ज है पॉजिटिव, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोरीन नाम पे। और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, ऑर्थो पे। एक हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, सेकंड प्रोडक्ट एक ही है, अमाउंट अलग अलग है, बीस हमारे पास क्लोरीन, दो अलग अलग जगह पे जाएगा। एक बार हमारे पास क्लोरीन जो पॉजिटिव चार्ज उसने यहाँ पे अटैक किया, एक बार हमारे पास मैं दोबारा से इस बॉन्ड की शिफ्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे इस बॉन्ड को मैं यहाँ पे शिफ्ट किया यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। दोबारा से वहां पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास VF क्लोरीन एंड VF क्लोरीनेट। तो हमारे पास क्लोरीन पॉजिटिव का तो हमने अटैक करवा दिया कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पेरा पे। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे इस बॉन्ड को इस साइड को शिफ्ट किया तो यहाँ से हमारे पास कौन बचा, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। वहां से हमारे पास कौन है, क्लोरीन भी कैसा, नेगेटिव। तो हमारे पास कौन रिमूव हो जाएगा साथ में, रिमूवल ऑफ व्हाट, HCl हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरो बेंजीन, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, इसका नाम हो रहा है ध्यान से देखोगे, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन। इसका नेम हो सकता है, इसके दो अलग अलग नाम बता रहा हूं मैं आपको, इसका पहला नाम है दैट इज, देखो नंबरिंग हमें मेरे ख्याल साइड से करनी होती है जहां पे हमारा ग्रुप नजदीक हो, तो इट्स 1, 2, 1, 2, वाई 1, 2 क्योंकि हमारा क्लोरीन हमारा कौन कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट और सेकंड पे, तो 1, 2 इट्स डाई क्लोरो, वाई डाई क्लोरो क्योंकि हमारा क्लोरीन कितनी बार लगा है, दो बार, क्लोरो क्यों, क्योंकि क्लोरीन के हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज क्लोरो, इट्स 1, 2 डाई क्लोरो व्हाट बेंजीन, ठीक है 1, 2 डाई क्लोरो बेंजीन। और इसका नाम क्या भी हो सकता है, इसका नेम हो सकता है ऑर्थो, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, वाई ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, क्योंकि अगर मैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लूं तो ये कौन सी क्वेश्चन है, ऑर्थो, अगर इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन मान लूं तो ये कौन सी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगी उसके रेफरेंस में, दैट इज कैसी, ऑर्थो। तो दैट इज ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, वाई ऑर्थो, इसके लिए ये वाली क्वेश्चन ऑर्थो, इसके लिए ये वाली क्वेश्चन ऑर्थो, इसका क्या नाम होगा, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इट्स 1, 4 डाई क्लोरो बेंजीन, इट्स 1, 2 डाई क्लोरो बेंजीन, या इसका क्या नाम भी हो सकता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन ऑर्थो, थर्ड पोजीशन बेटा, फोर्थ पोजीशन पेरा। तो इसको अगर मैं फर्स्ट पोजीशन मान लूं तो ये पेरा पोजीशन, इसको अगर मैं फर्स्ट पोजीशन मान लूं ये कौन सी पोजीशन, पेरा। तो इसका क्या नाम भी हो सकता है, इट्स पेरा डाई क्लोरो बेंजीन, देते हैं इट्स पेरा डाई क्लोरो बेंजीन। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज पर क्लोरीनेशन, और यू कैन से हैलोजिनेशन किसकी, क्लोरो बेंजीन की, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है दैट इज नाइट्रेशन, क्लोरो बेंजीन की नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन में हम क्लोरो बेंजीन के अंदर डालते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, और हमारे पास भी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हमारी नाइट्रेशन होती है। सो जैसे कि हमें पता है, सो मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, इट्स द नाइट्रेशन रिएक्शन,
माइग्रेशन। तो क्लोरीन क्लोरोबेंजीन की जो माइग्रेशन होगी वो किसकी वजह से, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरिक एसिड। तो क्लोरोबेंजीन कैसे रिएक्शन करता है, ये कहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। HNO3 को मैं कैसे ब्रेक करूं, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। HNO3 हमारा ब्रेक होगा, HNO3 हमारा ब्रेक होता है NO2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो क्लोरोबेंजीन होता है दैट इज कौन सा डायरेक्टिंग इन नेचर, ऑर्थोमेरा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है। इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना है तो उसको कौन सी पोजीशन पे आना पड़ेगा, ऑर्थोमेरा पे। इलेक्ट्रोफाइल को माने तो हमें कौन सा चार्ज चाहिए नेगेटिव, तो इस बॉन्ड को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड को। जैसे मैं इस बॉन्ड को इस साइड शिफ्ट किया, यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से बॉन्ड अटैक करेगा पॉजिटिव। तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा क्लोरीन, तो वैसे का वैसा ही यहाँ पे कौन आ जाएगा NO2, दैट इज नाइट्रो ग्रुप। एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार जैसे ये दोनों साइड को शिफ्ट हुआ, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव, वहां से कौन अटैक करेगा दोबारा से पॉजिटिव। हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज क्लोरीन एंड नाइट्रो ग्रुप एट कॉन्स्टिट्यूशन 13। अब हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे मैं इस बॉन्ड को इस साइड को शिफ्ट किया, यहां से कौन निकला एच पॉजिटिव, वहां से कौन निकला OH नेगेटिव, तो वी हैव अ रिमूवल ऑफ व्हाट H2O, साथ में हमारा कौन रिमूव हो जाएगा H2O रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज क्लोरोबेंजीन, इसकी नेमिंग करते हैं। अब देखो क्लोरीन भी प्रीफिक्स है, नाइट्रो ग्रुप भी प्रीफिक्स है, तो क्लोरो नाइट्रो में पहले इसको लिखेंगे अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है क्लोरो, दिस इज फर्स्ट पोजिशन, दिस इज सेकेंड पोजिशन, इसका क्या नाम होगा, दिस इज वन क्लोरो टू नाइट्रो बेंजीन, वन क्लोरो टू नाइट्रो बेंजीन। जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट पोजिशन, दिस इज सेकेंड पोजिशन, दिस इज थर्ड पोजिशन, दिस इज फोर्थ पोजिशन। So, इसका हमारे पास क्या नेम होगा, इट्स वन क्लोरो, वन क्लोरो, इट्स फोर नाइट्रो बेंजीन, दिस इज व्हाट, दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन। बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने एच तो दो दो बार निकाला, एच टू एक बार ही रिमूव किया, तो ये दो बार नहीं निकाल रहे, प्रोडक्ट एक ही है हमारे पास, ये वाला प्रोडक्ट एक ही है, अमाउंट अलग अलग है, अलग अलग अमाउंट में बन रहा है ये, ठीक है। सो दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगली जो दो रिएक्शन करवा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन इज ट्रिगल ट्रैप एल्काइलेशन एंड सेकंड वन इज ट्रिगल ट्रैप मिथाइलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो सबसे पहले इट्स ट्रिगल ट्रैप, इट्स ट्रिगल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ट्रिगल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ट्रिगल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो हमारे पास ट्रिगल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम क्या करते हैं, वी हैव क्लोरोबेंजीन, ट्रिगल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करते हैं क्लोरोमीथेन और यू कैन से मिथाइल क्लोराइड in the presence of anhydrous AlCl3, it's anhydrous AlCl3। हमें पता है क्लोरोबेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो हमें यहाँ पे क्या क्या चेक करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं CH3Cl की बात करूँ तो क्लोरीन हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से एक है, तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, कौन सा डायरेक्टली गई ऑर्थोफेरा, तो हमें ऑर्थोफेरा पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, तो ऑर्थोफेरा में हमें कौन सा चार्ज चाहिए नेगेटिव, तो इस बॉन्ड को हम शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे हम इस साइड को, जैसे हमने इस बॉन्ड को इस साइड शिफ्ट किया इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया नेगेटिव, तो वहां से कौन अटैक कर जाएगा CH3 विद कौन सा चार्ज पॉजिटिव। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास क्लोरीन तो वैसे का वैसा रहेगा, हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे कौन आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा CH3 ग्रुप। एक बार हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे है, अगली बार हमारे पास इस बॉन्ड की मैं शिफ्टिंग की, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया
यहाँ पे हमारे पास चार्ज आया, कौन सा नेगेटिव, वहां से दोबारा से कौन अटैक करेगा पॉजिटिव, देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा वी हैव सीएसटी टू एट व्हिच पोजीशन, पैरा पोजीशन। अब हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से एच पॉजिटिव, वहां पे सीएल नेगेटिव, रिमूवल ऑफ वर्ड एससीएल। सो दिस इज फीचर का एल्काइलेशन रिएक्शन, इसकी नेमिंग करनी है हमें प्रोडक्ट की, बड़े ध्यान से इसकी नेमिंग। अगर मैं इस ग्रुप को हटा दूं, इस ग्रुप की थोड़ी सी कंपाउंड की नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, डिफरेंट तो नहीं है, अगर मैं इस ग्रुप को हटा दूं तो इसका कंपाउंड का नाम क्या होता है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। सभी को पता है इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। लेकिन मैं अगर इस ग्रुप को हटा दूं तो इसका क्या नाम होता है, दैट इज टॉलिन। इसका क्या नाम होता है, दैट इज टॉलिन। क्लोरोबेंजीन इज आईयूपीएसी नेम, टॉलिन इज व्हाट, दैट इज स्पेशल नेम। तो आपको याद रखना है, जब भी सेम कंपाउंड के अंदर एक आईयूपीएसी नेम हो और एक स्पेशल नेम हो तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, स्पेशल नेम को। स्पेशल नेम और कॉमन, मतलब अगर प्रीफिक्स लग रहा हो उसमें से प्रेफरेंस किसको जाएगी, स्पेशल नेम को जाएगी। उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे को कैसे काउंट करेंगे एज अ प्रीफिक्स, तो स्पेशल नेम को, तो दिस इज, ये पूरा हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है स्पेशल नेम, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलिन। तो इसको हम देंगे फर्स्ट पोजीशन, स्पेशल नेम वाले को फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि हम इस साइड को नहीं चाहेंगे, इस साइड से हमारा क्लोरीन दूर है, यहां से नजदीक है, तो ये हमारी कौन सी पोजीशन होगी, सेकंड। तो इसका मैं नाम कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा टू क्लोरो टॉलिन। व्हाई टॉलिन, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है दैट इज व्हाट, टॉलिन। इसको आप टू क्लोरो टॉलिन बोल लो या इसको आप क्या बोल लो, ऑर्थो क्लोरो टॉलिन। यहाँ पे भी अगर मैं इस वाले ग्रुप को हटा दूं तो इसको हम क्या बोल लेंगे, क्लोरोबेंजीन। इस वाले ग्रुप को हटा दें तो इसको हम क्या बोल लेंगे, टॉलिन बोल लेंगे। तो मैंने आपको बोला कि स्पेशल नेम को आपने प्रेफरेंस देनी है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास कौन है, ये हमारे पास स्पेशल नेम है, दैट इज व्हाट, टॉलिन। इसको हम फिर कैसे काउंट करेंगे एज अ प्रीफिक्स, सो दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन, दिस इज फोर्थ पोजीशन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट्स फोर फोर क्लोरो रिएक्शन में क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, क्लोरोबेंजीन फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम क्लोरोबेंजीन के अंदर डालते थे मिथाइल क्लोराइड, एल्काइलेशन के अंदर हम क्या डालते थे, मिथाइल क्लोराइड। इसके अंदर हम डालते हैं मिथेनोएल क्लोराइड, इट्स CH3C डबल बॉन्ड ओ CL, इट्स इथेनोएल क्लोराइड, और यू कैन से एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। एल्काइलेशन के अंदर CH3Cl, असाइलेशन के अंदर एसिटाइल क्लोराइड, और यू कैन से इथेनोएल क्लोराइड, दिस इज इथेनोएल क्लोराइड, दिस फंक्शनलिटी C डबल बॉन्ड ओ CL, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड, OL क्लोराइड, ठीक है। और रिएक्शन आपके पास कैसे होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, अनहाइड्रस AL CL की प्रेजेंस। हमारे पास से हमें पता है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है कौन सा डायरेक्टिंग इन नेचर, ऑर्थो पैरा, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल को आना है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आएगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, मींस जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट होती है, ठीक है। तो ये बॉन्ड हमारा शिफ्ट होगा इस साइड को, जैसे बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट हुआ, हमारे पास यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, वहां से कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा क्लोरीन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वहां से पॉजिटिव है, कौन आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड
ऑक्सीजन, साथ में कौन सी एच थ्री। एक बार और दो क्वेश्चन है, दूसरी बार हमारे पास कौन सी क्वेश्चन आएगा, कौन सा शिफ्ट हुआ है, हमें कौन सा चार्ज आया हमारे पास नेगेटिव, वहां से कौन अटैक करेगा पॉजिटिव। हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वी हैव अ क्लोरीन, पॉजिटिव वहां से कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव कौन है हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ कौन लगा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उस कार्बन के साथ कौन भी लगा हुआ है सी एच थ्री, साथ में हमारे पास कौन निकल जाएगा, एक हमारे पास एच पॉजिटिव, दूसरा हमारे पास कौन सी एल नेगेटिव, एस सी एल हमारे पास रिमूव हो जाएगा, उसकी नेमिंग करते हैं, इसकी नेमिंग में कर रहा हूं, अगर मैं इस ग्रुप को हटा दूं दैट इज क्लोरोबेंजीन, दैट इज द आईयूपीएसी नेम नॉट कॉमन नेम, दिस वन इज क्लोरोबेंजीन, आपको दिख ही रहा होगा, इस ग्रुप को अगर मैं हटा दूं दिस क्लोरोबेंजीन, अगर मैं इस ग्रुप को हटा दूं दैट इज द स्पेशल नेम, एंड दिस इज द कीटोन फंक्शनैलिटी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस साइड, मिथाइल ग्रुप लगा है इस साइड, रिंग लगी है, और इस पूरे स्पेशल नेम को हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, दिस कंपाउंड इज नोन एज, अगर मैं क्लोरीन को डालता दैट इज एसिटोफिनोन एंड दैट इज स्पेशल नेम, तो स्पेशल नेम को फर्स्ट क्वेश्चन देंगे, इसको सेकंड क्वेश्चन देंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन इज टू क्लोरो एसिटोफिनोन, टू क्लोरो एसिटोफिनोन, यहाँ पे भी इसको मैं हटा दूं एसिटोफिनोन, इसको सॉरी इसको अगर मैं हटा दूं एसिटोफिनोन, इसको अगर मैं हटा दूं दैट इज क्लोरोबेंजीन, तो हमने स्पेशल कंपाउंड को लिखना है, स्पेशल कंपाउंड को स्पेशल कंपाउंड में लिखेंगे, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, दिस इज फोर क्लोरो एसिटोफिनोन, सो this is all about chlorobenzene की chemical property, we have a alkylation, we have a silation, we have a chlorination, we have a nitration, so thank you आज के लिए।